हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कुबुलनामा। मीडिया में हमारे चमचे बहुत है, हम उनसे कुछ भी कहलवा सकते हैं। पिछले 5 साल से देश का मीडिया जिस रंग में रंगा हुआ है वो ये बताने के लिए काफी है कि मीडिया का झुकाव इन 5 सालों में देश के असल मुद्दों की ओर कम और बीजेपी और नरेंद्र मोदी की ओर ज्यादा रहा है। हालांकि ये बात ना तो मीडिया मानती है और ना ही बीजेपी, लेकिन अब बीजेपी नेता खुलकर कहने लगे हैं कि मीडिया उनके यानी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है क्योंकि मीडिया में उनके बहुत सारे चमचे हैं। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्वामी मीडिया और बीजेपी के रिश्तों को खुलेआम उजागर कर रहे हैं। वीडियो में सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मीडिया में हमारे चमचे लोग बहुत हैं, जो भी हम कहवाना चाहे कहवा सकते हैं, मीडिया हमारे खिलाफ है ये मैं नहीं मानता। आप भी देखिए ये वीडियो। सुना आपने क्या कह रहे हैं स्वामी? कह रहे हैं कि मीडिया में उनके बहुत सारे चमचे हैं जिनसे वो कुछ भी कहलवा सकते हैं। स्वामी जी अगर उन चमचों का नाम भी बता देते तो मजा आ जाता, वैसे जानते तो सब है। बहरहाल स्वामी के इस कुबलनामे से साफ हो गया है कि मीडिया और बीजेपी का रिश्ता मालिक और चमचे वाला है। ये चमचा अपने मालिक की गोद में बैठा हुआ है, इसलिए पत्रकार रवीश कुमार ने मीडिया को गोदी मीडिया नाम दिया था। अमित शाह बोले, एयर स्ट्राइक में 250 आतंकी मरे। सेना बोली, हमने गिनती नहीं की। आप बोली, मुझे सेना पर भरोसा है। पुलवामा आतंकी हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर हवाई हमला किया। इस हमले में समाचार चैनल आतंकियों की मौत पर अलग अलग दावे कर रहे हैं कि हमले में 300 आतंकी मरे, तो किसी चैनल ने कहा 350 आतंकी मरे हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना चैनलों के ठीक उलट बात कर रही है। रविवार को तमिलनाडु के कोयम्बतूर में भारतीय वायुसेना के चीफ BS धनोआ ने समाचार चैनलों द्वारा फैलाए जा रहे गलत आंकड़ों पर बोलते हुए कहा कि हमने अपने टारगेट को निशाना बनाया, वायुसेना ने इसकी गिनती नहीं की है कि हमले में कितने लोग मरे हैं। एयर चीफ का ये बयान उस मीडिया के मुंह पर तमाचा है जो एयर स्ट्राइक के बाद से ही 300 से 400 आतंकियों के मरे जाने की सूत्रों के हवाले से पुष्टि कर रहे थे, लेकिन BS धनोआ ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। वही एयर स्ट्राइक का राजनीति में इस्तेमाल करते हुए रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद सभी सोच रहे थे कि इस समय सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हो सकती, मगर अब क्या हुआ, उस समय मोदी सरकार ने पुलवामा हमले के 13वें दिन ही एयर स्ट्राइक किया और 250 आतंकियों को मार गिराया। मीडिया के अपने आंकड़े है और भाजपा के अपने, लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाली वायुसेना ही इस बात से इनकार कर रही है कि हमले में कितने आतंकी मरे हैं। फिर इस बात का अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि पुलवामा हमले का किस तरह से राजनीतिकरण करके इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि या तो भारतीय सेना प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोल रही है या अमित शाह चुनावी रैली में झूठ बोल रहे हैं, वैसे मुझे सेना पर पूरा भरोसा है, आपको? हालांकि अमित शाह के बयान से ही पता चलता है कि वो 250 आतंकियों के मारे जाने की बात कर रहे हैं, जबकि मीडिया 300 से लेकर 400 आतंकियों के मारे जाने की बात कह रहा है और इस हमले को अंजाम देने वाली वायुसेना कह रही है कि हमने इसकी गिनती नहीं की है कि हम कितने लोग मरे हैं। यानी मीडिया और अमित शाह के आंकड़ों में अंतर है, पर वायुसेना एकदम साफ। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंकड़ों के किस तरह से हेरफेर किए जा रहे हैं। जंतर मंतर पर हजारों लोगों ने लिया शपथ, बीजेपी का प्रचार करने वाली गोदी मीडिया का हम बहिष्कार करेंगे। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने के वादे के साथ सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार के खिलाफ अब बेरोजगारों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में रोजगार गारंटी कानून की मांग को लेकर देश भर से इकट्ठा हुए बेरोजगारों ने रामलीला मैदान से संसद मार्च तक एक विशाल रैली निकाली। नौजवान भारत सभा, दिशा छात्र संगठन, बिगुल मजदूर दस्ता, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन जैसे जन संगठनों के नेतृत्व में निकाली गई इस विशाल रैली में बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे नौजवानों, मजदूरों, महिलाओं ने मोदी सरकार से भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून को पारित करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान युद्ध नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए जैसे नारे लगाए। प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों ने कहा कि मोदी सरकार के शासनकाल में रोजगार बढ़ने के बजाय घटा है,
बेरोजगारी इस वक्त की सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए इससे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं कि सरकार रोजगार गारंटी कानून बनाए और सभी को रोजगार दे या उसके बदले बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। रैली के दौरान मजदूर बिगुल दस्ता की कार्यकर्ता शिवानी ने प्रदर्शनकारियों को सत्ता की गोद में बैठी मीडिया का बहिष्कार करने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी और इंडिया टीवी का नाम लेते हुए कहा कि हम इन सभी चैनलों का बहिष्कार करते हैं जो झूठी दंगे फसाद करने वाली, मजदूरों को आपस में बांटने वाली और सरकार के प्रचार प्रसार वाली खबरें चला रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को शपथ दिलाते हुए कहा, हम शपथ लेते हैं कि कम से कम आने वाले चुनाव तक मौजूदा सरकार भाजपा और संघ परिवार के इशारों पर झूठ का प्रचार प्रसार करने वाले समाचार चैनलों जैसे कि जी न्यूज, रिपब्लिक टीवी, इंडिया टीवी और आदि ऐसे सभी समाचार चैनलों का हम पूर्ण बहिष्कार करेंगे और आज ही टीवी से इनका कनेक्शन कटवा देंगे। शिवानी ने कहा कि जो मीडिया जनता के दुख दर्द और जनता की समस्याओं को न दिखाए वो गोदी मीडिया और मोदी मीडिया होती है। ऐसे मीडिया की हमें जरूरत नहीं। पुलवामा पर राजनीति बंद करे पीएम मोदी, सेना के नाम पर हीरो बनने का नाटक ना करे, कहते हैं अभिनेता सिद्धार्थ। मोदी सरकार पुलवामा अटैक के बाद वायुसेना द्वारा की गई एयर स्ट्राइक का श्रेय ले रही है, ऐसा कुछ देखने को मिला आज जामनगर जनसभा में। यहाँ पीएम मोदी ने कहा कि लेकिन वह यानी पाकिस्तान में हवाई हमला भी जरूरी था, क्या वह किया जाना चाहिए था या नहीं, इस पर भीड़ ने हर बार की तरह इस बार भी हां में जवाब दिया। वही सेना के नाम हो रही राजनीति पर अभिनेता सिद्धार्थ ने पीएम मोदी को नसीहत दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, हमारे लोग सशस्त्र बलों द्वारा विश्वास करते हैं और खड़े होते हैं, ये आप और आपका गिरोह है वो विश्वास नहीं करते। पुलवामा का राजनीतिकरण बंद करो, असली नायकों की पीठ पर हीरो बनने का नाटक करना बंद करें। आपको बलों का सम्मान करना चाहिए, आप सैनिक नहीं हैं, एक की तरफ व्यवहार की उम्मीद मत करो। जय हिंद। इससे पहले पीएम मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा था कि विपक्ष का उद्देश्य उन्हें यानी मोदी को हटाना है। उन्होंने कहा, आतंकवाद की बीमारी की जड़ पड़ोसी देश है, क्या हमें इस बीमारी का इलाज जड़ से नहीं करना चाहिए। यहाँ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के एनेक्सी भवन और विभिन्न अन्य विकास कार्यों का उद्घाटन करने के बाद मोदी ने कहा, अगर भारत को तबाह करने की मंशा रखने वालों के सरगना बाहर है तो यह देश शांत नहीं बैठेगा। सेना के नाम पर वोट मांगने वाली मोदी सरकार के खिलाफ उतरे अर्धसैनिक, बोले 2019 में सबक सिखाएंगे। केंद्र की मोदी सरकार भले ही खुद को देश के सैनिकों और अर्धसैनिकों का हितैषी बताती है, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी सरकार से बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ के अर्धसैनिक खुश नहीं। अर्धसैनिकों ने अपनी कई मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अर्धसैनिकों ने पेंशन दोबारा शुरू करने, शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान अर्धसैनिकों ने केंद्र पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल करने वाली पार्टी को ही लोकसभा चुनाव में वोट देंगे। कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से रविवार को धरना प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए अर्धसैनिकों को आगे बढ़ने से पुलिस ने रोक लिया, लेकिन नारेबाजी का सिलसिला घंटों चलता रहा। एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलवामा के शहीदों की याद में जंतर मंतर के पास मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। एसोसिएशन के महासचिव रणवीर सिंह ने कहा कि देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले जवानों को शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है। उन्होंने सेवा नियम लागू करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा बहाल करने सहित अन्य मांगे दोहराई। एसोसिएशन ने सीसीएस रूल्स में बदलाव कर पैरामिलिट्री रूल्स बनाने, सीपीसी कैंटीन में जीएसटी में 50% छूट, सेना की तर्ज पर वेतन भत्ते, पेंशन की मांगे पूरी न करने का सरकार पर आरोप लगाते हुए निशाना साधा। कहा कि अर्धसैनिकों को मिलने वाली पेंशन 2004 से बंद कर दी गई है, जिससे उनकी परेशानी कई गुना बढ़ गई। प्रदर्शन में शामिल एक पूर्व अर्धसैनिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ करते नहीं। प्रदर्शनकारी ने सवाल करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने अर्धसैनिकों के लिए क्या किया है। मोदी सरकार के खिलाफ अर्धसैनिकों के इस प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी के सैनिक और अर्धसैनिकों यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ के प्रति प्रेम की पोल खुली। रणबांकुरों ने कहा 2019 में सबक सिखाएंगे। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।